हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह रेडी होके नहा धो के बैग वैग लेके और निकल चुका हूँ जॉब के लिए। तो मैं वापस से वहीं पे हूँ पार्क के बाहर, अभी अंदर से निकलूँगा। और भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो देखते हैं कुछ मिलेगा तो खाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा ऑफिस। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। आज तो गर्मी थोड़ा कम लग रहा है, सो मौसम अच्छा है, देखते हैं। चलो कुछ खाते हैं, कुछ भूख लगी है बहुत तेज़। वड़ा पाव तो नहीं खाऊंगा कल के जैसा। सो गाइस, आज मैं दिखाता हूँ कि इस घोड़े के बीच से मैं डेली कैसे निकलता हूँ। सो ये रहा घोड़ा, और घोड़े के बीच से मैं निकल चुका हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। ये है दोनों घोड़े, कभी भी अटैक कर सकते हैं क्योंकि अटैकिंग मूड में खड़े हैं। सो मैं निकल चुका हूँ बाहर। सो गाइस, देखा आपने मैं घोड़े से डेली कैसे बच के निकलता हूँ। दोनों घोड़े ऐसे खड़े हैं अटैकिंग मूड पे। सो मैं दोनों के बीच से निकलता हूँ, कभी भी अटैक कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। देखते हैं, यहाँ पर कुछ खाने को दिख रहा है मेरे को, अगर कुछ ढंग का मिलता है तो खाएंगे। ये देखो, ये अंकल जा रहे हैं पीछे से, मेरे को देख रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं। यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है बट पता नहीं क्या है खाने में। पोहा और मिसल पाव। ओह, सो गाइस, मैंने पूछा कि क्या है खाने में, तो उन्होंने बोला पोहा है, मिसल पाव है। ना मुझे पोहा पसंद है, ना मिसल पाव पसंद है, और ना ही वड़ा पाव पसंद है, तो मैं कुछ खाया नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। सो आगे चलते हैं, आगे चेक करते हैं आगे क्या है। सो गाइस, मैंने इधर भी देखा, इधर भी वही मिल रहा है, पोहा वड़ा पाव समोसा, ये सब मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मैं बहुत ज़माने के बाद क्या लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्ले जी, जो कि बहुत ज़माने के बाद मैं खाने वाला हूँ, तो टेस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे बिस्किट मिल रहे थे बट मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि मुझे यही खाना था और ये मैं बहुत ज़माने के बाद खा रहा हूँ। मतलब लास्ट टाइम कब खाया था हमको याद ही नहीं है, तो मुझे ये दिख गया तो मैं बोला यही दे दो मेरे को, यही खाना है। सो अभी मैं पार्ले जी बिस्किट खाऊँगा और जाऊँगा ऑफिस। सो गाइस, मैं ऑफिस के पास पहुँच गया हूँ और आपसे मिलता हूँ बाद में। जा रहा हूँ बिस्किट खाने, भूख लगी, आप भी कुछ खा लो। सो गाइस, मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए बाहर, भूख लग गई है बहुत तेज, और अभी 2 बज गए, तो देखते हैं कुछ खाते हैं। तो गाइस, मैं लंच करने आया था बाहर में, और लंच मैंने कर लिया है, रोटी सब्जी सेम जैसे पहले खाया था, 50 रुपये का 4 रोटी 2 सब्जी, और अभी खा के जा रहा हूँ वापस। सो एक्चुअली दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोटी और सब्ज़ी मिलता है, बाकी जगह में पूरे साउथ इंडियन डिश मिलता है, जैसे डोसा वगैरह, समोसा, वड़ा पाव, ये सब मिलता है। तो उतना मुझे पसंद नहीं आता है, इडली डोसा ये सब पसंद नहीं आता है, सो इसलिए मैं उसी में जाता हूँ। और रोटी सब्जी ऑप्शन नहीं है, लंच लेके मैं आता नहीं, तो अभी लंच हो गया, अभी जा रहा हूँ वापस। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और डेली मुझे 5 मिनट जाने में लगता है, 5 मिनट आने में लगता है, और बहुत धूप रहता है, बट ऑप्शन नहीं, दूसरा तो जाना ही पड़ेगा। सो एनीवे, अभी जाता हूँ मैं वापस और मिलता हूँ आपको शाम को। हे गाइस, मैं जस्ट ऑफिस से निकल के आ रहा हूँ और अभी हूँ रास्ते में, तो मैं जा रहा हूँ रूम पे। और रूम पे जाने के बाद फटाफट कपड़ा चेंज करेंगे जिम। सो गाइस, मैं आ गया हूँ जिम में, जिम के बाहर हूँ, जा रहा हूँ अंदर, तो मैं आपको मिलता हूँ बाद में। टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो फटाफट मैं रूम पे आया, कपड़े चेंज किया और जिम जा रहा हूँ। Thank you.
सो गाइस, मैं आ चुका हूँ खाना खाने के बाद टहलने के लिए। वापस से पार्क के बाहर हूँ, बट थोड़ी देर में जाऊँगा पार्क में, थोड़ा वॉक करूँगा, उसके बाद वापस सोने के लिए जाऊँगा। मैं जस्ट खाना खा के आया, और जिम से आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। थोड़ा कपड़ा धोना था, कपड़े धोया, फिर खाना वाना बनाया, अभी जस्ट खाना खा के बाहर आया। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं जा रहा हूँ अंदर वॉक करने के लिए पार्क के अंदर, और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।